हाँ, पर ये जरा सोचने को आता है कि अगर माशाल्लाह से अब बच्चा भी पैदा हो गया, हमारा भतीजा भी आ गया है इस दुनिया में, तो इन्होंने ये डिक्लेरेशन क्यों नहीं दी? और अगर डिक्लेरेशन नहीं दी दोनों में, तो मेरे ख्याल से दो नए MPs पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सस्पेंशन में आएंगे। आपको पता है डिस्क्वालिफिकेशन के बाद आज तक जितनी भी इलेक्शन यहाँ पर हुई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा और पीपल्स पार्टी से कोई भी जीत नहीं सका। तो हलीम आज़र शेख को मुबारकबाद और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भी एक नई सीट आने की मुबारकबाद। हाँ, पर ये ज़रा सोचने को आता है कि अगर माशाल्लाह से अब बच्चा भी पैदा हो गया, हमारा भतीजा भी आ गया है इस दुनिया में, तो इन्होंने ये डिक्लेरेशन क्यों नहीं दी? और अगर डिक्लेरेशन नहीं दी दोनों में, तो मेरे ख्याल से दो नए MPs पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सस्पेंशन में आएंगे। आपको पता है डिस्क्वालिफिकेशन के बाद आज तक जितनी भी इलेक्शन यहाँ पर हुई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा और पीपल्स पार्टी से कोई भी जीत नहीं सका। तो हलीम आज़र शेख को मुबारकबाद और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भी एक नई सीट आने की मुबारकबाद। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।